तो ये है आज हमारे पास महिंद्रा के 3XO EX5L, मतलब EX5 लग्जरी वेरिएंट है और रेड कलर में काफ़ी सही लग रही है। मतलब यहाँ पे XO 3XO। अब फ्रंट डिज़ाइन के बारे में बात करें तो पहले तो हेडलाइट जो है वो हमें कुछ यहाँ पे इस तरह से मिलती है। यहाँ पे हमें पूरी DRL मिलती है और इसी के अंदर यहाँ पे इंडिकेटर भी हमें मिल जाता है और हेडलाइट जो है वो हमें पूरे LED प्रोजेक्टर में मिलती है। पूरा हेडलाइट सेटअप जो है वो हमें यहाँ पे LED में ही मिल रहा है। और आप EX7 वेरिएंट जो लेने जाओगे, EX7 लग्जरी या EX7, तो आपको यहाँ पे फॉग लैंप भी मिल जाएगा। तो ये है XUV3XO की फ्रंट डिज़ाइन जो कि काफ़ी सही लगती है। यहाँ पे XUV3XO में हमें टायर प्रोफाइल जो मिलती है वो मिलती है 205/65R16, मतलब यहाँ पे 16 इंच के हमें डायमंड कट एलॉय व्हील्स जो देखने को मिलते हैं। हालांकि आप EX7 या EX7L लेने जाओगे तो यहाँ पे एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगी, पर यहाँ पे आपको EX5 में ये वाले डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि काफ़ी सही लग रहे हैं कार के ऊपर। और हाँ, यहाँ पे आपको चारों डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाती है, तो ये सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी सही मिलता है। यहाँ पे XUV3XO के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे XUV3XO की लेंथ हमें मिलती है 3990 mm, यहाँ पे हमें विड्थ मिलती है 1821 mm, कार की हाइट हमें यहाँ पे मिलती है 1647 mm और यहाँ पे हमें XUV3XO का व्हील बेस जो मिलता है वो है 2600 mm, 2600 mm का व्हील बेस मिलता है जो कि काफ़ी सही है यहाँ पे 3XO में। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें यहाँ पे 201 mm का मिलता है, मतलब एक कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से हमें यहाँ पे काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ये थे XUV3XO के डायमेंशन। अब यहाँ पे XUV3XO EX5 लग्जरी के रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो कार देखने को मिलती है। पहले तो हमें यहाँ पे ऊपर जो है वो एंटेना मिल जाता है, नीचे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे डिफोगर वाइपर विथ वॉशर भी मिल जाएगा। और टेल लैम्प की बात करें तो यहाँ पर हमें पूरी कनेक्टिंग LED लाइट जो है वो हमें मिल जाती है जो कि काफ़ी सही लगती है। और इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर हमें दोनों साइड मिल जाते हैं जो कि ब्लिंक करते हैं। रिवर्स लाइट हमें यहाँ पर मिल जाती है, बीच में महिंद्रा का लोगो हमें यहाँ पर मिल जाता है, XUV3XO की बैजिन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, नीचे हमें यहाँ पर दो पार्किंग सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे और रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। हालांकि EX5 लग्जरी में हमें यहाँ पे 360 डिग्री व्यू जो के मिल जाता है। अब यहाँ पे 3XO में बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और बूट स्पेस जो हमें यहाँ पे मिलती है 364 लीटर की, तो यहाँ पे काफ़ी सही जो है वो हमें बूट स्पेस 3XO में मिल जाती है। और आपको स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। और आपको कुछ सामान यहाँ पे लटकाना हो तो हुक भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे 3XO में EX5 लग्जरी वेरिएंट में आपको थोड़ा ड्यूअल टोन में आपको डोर मिलेगा क्योंकि काफी प्रीमियम लगता है। यहाँ पे हमें कुछ डोर हैंडल जो सिल्वर फिनिश में मिलता है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, ये पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा और यहाँ पे आपको सॉफ्ट लेदर में मिल जाता है और 1 लीटर की बोतल रखने के लिए बोतल होल्डर और थोड़ी स्पेस आपको और मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डोर ओपन करने के लिए पहले तो कीलेस एंट्री के लिए आपको बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको बड़ा सा ग्लास एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में जो मिलता है, यहाँ पे मिरर को ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए, ऑटोमेटिक फोल्ड करने के लिए, यहाँ पे चारों पावर विंडो की स्विच आपको मिल जाती है। हालांकि ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन दोनों के साथ मिलेगा, यहाँ पे डोर लॉक करने के लिए और विंडो को लॉक करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट लेदर में मिल जाता है, यहाँ पे आपको दो बॉटल रखने के लिए बॉटल होल्डर मिलती है और थोड़ी स्पेस और मिल जाती है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। अब यहाँ पे 3XO में बैठना काफ़ी आसान है, यहाँ पे आपको रिक्लाइन एंगल जो काफ़ी सही मिलता है, आपको यहाँ पे ग्लास विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी सही मिलती है, ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे लेग रूम की आपको कोई कमी नहीं लगेगी, आपको हेडरूम जो वो भी काफ़ी सही मिलता है और सीट का कुशन जो काफ़ी सही है, मतलब आपकी जर्नी जो है 3XO में काफ़ी सही रहने वाली है। यहाँ पे 3 पर्सन के लिए आपको थ्री हेडरेस्ट जो दिए गए और तीनों
आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और बीच में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर मिलता है। तीन पर्सन के लिए आपको तीन सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पे बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग सेफ्टी के लिए मिलते हैं, जो कि काफी सही चीज है यहाँ पे महिंद्रा 3XO में। अब यहाँ पे पीछे आपको दो एसी के वेंट्स मिल जाएंगे, नीचे टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, मोबाइल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, और नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो आपको यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट जो है वो भी मिल जाती है। तो ये है 3XO की रियर सीट की कहानी। बात करते 3XO के इंटीरियर के बारे में, तो यहाँ पे पहले तो हमें सीट हाइट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे मैन्युअली मिलता है, यहाँ पे सीट को रिक्लाइन करने के लिए और यहाँ पे सीट को आगे पीछे करने के लिए मिल जाता है। तो ये है महिंद्रा 3XO AX5 लग्जरी का इंटीरियर, जो कि काफी प्रीमियम है, और यहाँ पे काफी प्रीमियम हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मिल जाता है। पहले तो हमें यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखा रहा है, जो कि काफी सही है। यहाँ पे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है, जैसे नेविगेशन वगैरह। यहाँ पे नेविगेशन भी पूरी स्क्रीन पे हमें दिख जाता है। अब समझिए कि ये आपको पूरा सब कुछ ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता है, जैसे ही आप ड्राइव करते होंगे उस टाइम पे आपको कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन जो आपको यहीं पे दिखाएगी, तो आपका ध्यान जो है वो कहीं पे नहीं जाएगा। यहाँ पे ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे फ्यूल रिगार्डिंग, मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपकी माइलेज वगैरह सब कुछ जो है वो यहाँ पे शो होगा। तो ऐसे काफ़ी सही फीचर जो है वो 3XO में मिल जाते हैं, और वैसे भी इसकी डिज़ाइन जो है मुझे काफ़ी सही लगती है। अब स्टेयरिंग की बात करें तो अभी इंजन जो है वो स्टार्ट है, और ये वाला वेरियंट जो है पेट्रोल में है, टर्बो पेट्रोल इंजन है ये, और काफ़ी पावरफुल है। इसका स्टेयरिंग जो है काफ़ी लाइट है यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले तो हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिल जाता है, हिल होल्ड का फीचर मिल जाता है, और इस साइड जो है वो हमें हेडलाइट लेवल एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे ये वाले वेरिएंट में हमें एडास भी मिल जाता है, एडास लेवल 2, तो इसके कंट्रोल जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। आपको ये सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम जो XUV700 में मिलता है, सेम यहाँ पे अब आपको XUV3XO में भी मिलेगा। अब हेडलाइट के लिए कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और वाइपर्स के कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। महिंद्रा 3XO की सीटिंग पोजिशन के बारे में बताऊँ, मतलब ड्राइविंग पोजिशन जो है काफ़ी सही है, मतलब मैं अभी बैठा हूँ तो मुझे विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी सही आ रही है, और आपको एक SUV वाला फील मिलेगा, क्योंकि बीच में से बोनेट जो है वो थोड़ा उठा हुआ है, तो जैसे भी आप ड्राइव करने के लिए इस कार में बैठोगे आपको SUV वाला स्टैंड मिलेगा, और ड्राइव पोजिशन काफ़ी सही है, मतलब एक अग्रेसिव ड्राइव पोजिशन है, तो चलाने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए जो डिस्प्ले मिलती है वो काफ़ी सही है, और काफ़ी स्मूथ भी आपको मिलेगी, और इसके लिए सारे फिजिकल बटन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगेन मैं बोलता हूँ, ये सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी सही है, आपकी सेफ्टी को इंक्रीज़ करता है। ये 360 डिग्री व्यू जो है वो मिलता है हमें यहाँ पे, मिरर के नीचे जो है हमें दोनों साइड कैमरा मिलता है, तो ये आपको यहाँ पे अलग अलग एंगल जो है वो मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे एसी के वेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे एसी को कंट्रोल करने के, मतलब ट्रैक्शन मोड, ड्राइव मोड, यहाँ पे ड्राइव मोड भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जीप जैप जूम करके आप अलग अलग मोड है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ड्यूअल जोन एसी जो हमें मिलता है, मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर मतलब पैसेंजर के लिए
यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग एसी मिलता है, मतलब 19-20 कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ एसी के कंट्रोल्स ही है सारे। नीचे जो है वो हमें यहाँ पे यूएसबी पोर्ट जो है वो मिलता है चार्जिंग करने के लिए फ़ोन को, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिलता है। यहाँ पे ऑटो होल्ड और पार्किंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का भी फीचर मिल जाता है। दो कप होल्डर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, और इस साइड पे हमें आर्म रेस्ट जो है वो भी डिसेंट स्पेस के साथ मिलती है। तो काफ़ी सही चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे XUV 300 में मिल जाती है, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको फ्रेमलेस में बोल सकता हूँ, फ्रेमलेस IRVM ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक जैसे भी हाई बीम पीछे से आएगी ये आपको ऑटोमेटिक डिम कर देगी। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और लेवल 2 एडास जो आपको ये वाले AX5 लग्जरी में मिल जाता है। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, और सनरूफ के लिए आपको यहाँ पे वन टच पे ओपन हो जाएगा और वन टच पे डाउन भी हो जाएगा। ऊपर सन वाइजर की बात करें तो सन वाइजर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस साइड आपको वैनिटी मिरर जो है वो लाइट के साथ मिलेगा सन वाइजर के। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स भी डिसेंट स्पेस के साथ मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। तो ये है महिंद्रा 300 का इंटीरियर, जो कि बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही अच्छी कार है। मतलब एक बार आप कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये कार को मतलब क्या है वो देखनी ही चाहिए आपको। ये कार एक बार तो टेस्ट ड्राइव लेना बनता है ये कार का। और यहाँ पे हाइट स्टेयरिंग हाइट एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं 300 में। यहाँ पे हमें टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो मिलता है। अब यहाँ पे हमें XUV 300 में 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिलती है। अब ये है महिंद्रा 300 का इंजन, जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन है, और ये काफ़ी पावरफुल इंजन हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो इंजन मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि टर्बो चार्ज इंजन है और मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 129 PS की पावर 5000 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 213 Nm का टॉर्क 1500 RPM पे। तो यहाँ पे पावर फिगर जो है वो काफ़ी सही है यहाँ पे टर्बोचार्ज इंजन का महिंद्रा XUV 300 में। तो हम आए थे अंकलेश्वर में मेगा ऑटोमोबाइल्स में, जो कि महिंद्रा का शोरूम है। अंकलेश्वर या भरूच, आपको कहीं भी महिंद्रा की कार्स के लिए इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप ज़रूर से मेगा ऑटोमोबाइल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी महिंद्रा की 300 AX5L, और ये वेरिएंट की यहाँ पे ऑन रोड प्राइस है 15 लाख के अराउंड आपको ये कार जो है वो ऑन रोड हो जाएगी। अगर आपको ये कार अच्छी लगी हो और ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज हम आपके लिए लाते रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, ड्राइव सेफ।